नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे कुर्क बांड और धमाका सिंह की बारात, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। बांड भी फौरन दीवार पर चढ़ गया। हाई सा दूसरी ओर कूद कर उसे काफी अफसोस हुआ। उफ, यहां तो भैंस के गोबर का भंडार है। पचाक, तभी उसकी निगाह तबेले की ओर गई। ओह, वो अपने शिकार के पास पहुंच गई है। तभी बेचारे अपना रूप बदला। ये भयानक दृश्य देखकर कुर्कबाण भैये को अपने पैंट के अंदर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। ओह, पैंट खराब हो गई है, मगर मैं हिम्मत रखूंगा। साहस का प्रदर्शन करते हुए उसने उसकी भयानकता का पहला चित्र उतारा। उस और फिर धड़ाधड़ कई चित्र उतार डाली। फ्लैशलाइट की चमक से बीचा ने चौंक कर उस दिशा में देखा। ये लड़का मेरे लिए मुसीबत बनता जा रहा है, इसका भी खून पी जाऊंगी। ओह, इसने मुझे देख लिया है, भाग ले बांट बेटे वरना मारा जाएगा। लेकिन घबराहट में बांट को पीछे पड़े गोबर का ध्यान ही नहीं रहा। सत्यानाश, फिर गोबर। हचाक, मौका पाकर बीचा उस पर झपटी, किंतु किसी अदृश्य शक्ति ने उसका रास्ता रोक लिया। उफ, ये क्या, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूं। ये विचित्र दृश्य देखकर कुक ब्रांड भी हैरान था। आई, ये हवा में हाथ पांव क्यों मार रही है। ताबीज, इस छोकरे के गले में पड़े ताबीज के कारण मैं इसके निकट नहीं जा पा रही हूं। कुर्कबाण ने स्थिति का लाभ उठाया और उछलकर दीवार पर चढ़ गया। भाग ले बेटा बांड। इधर धमाका सिंह की नींद अचानक खुल गई थी। आई, मेरी 56 छुरी कहाँ चली गई। वो लॉन में निकल आया। चुलबुल, कहाँ है रानी। तभी कुर्कबाण लॉन की दीवार कूद कर भीतर आया। धार, हाय, मार डाला रे। कुर्कबाण के शरीर पर लगा गोबर धमाका सिंह को भी लिपट गया था। उठो बापू, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। बापू के कच्चे गोबर कर दिया मुझ पर। घुर, मैंने नहीं किया बापू। चुड़ैल का पीछा करते हुए मैं गोबर में गिर गया था। आई, फिर चुड़ैल की बात कर रिया है। अबे, तेरी मति मारी गई है क्या। कुर्कबाण ने उसे सब कुछ बताने के इरादे से मुंह खोला। तभी बेडरूम की खिड़की खुल गई। प्यारे धमाकू, तुम वहां लॉन में क्या कर रहे हो। आई, ये कब लौट आई। धमाका सिंह सब कुछ बोलकर उसकी ओर लपका। तुम्हारी याद में तड़पते हुए बाहर आ गया था मेरी बुलबुल, मुझे क्या पता था तुम अंदर ही हो। अब बापू मेरे किसी भी बात का विश्वास नहीं करेगा। हार कर कुर्कबाण अपने कमरे में चला गया। मोटू उसकी प्रतीक्षा में जाग रहा था। क्या हुआ बाण भैया। मौत के मुंह से निकलकर आया हूं, लेकिन मैंने तस्वीर उतार ली है। सुबह होते ही फिल्म के प्रिंट बनवाने होंगे। ठीक है, ये काम मैं करूंगा, तुम फिल्म निकाल कर मुझे दे दो। होशियार रहना मोंटू, फिर ये फिल्म बहुत कीमती है। इधर धमाका सिंह कमरे के भीतर पहुंचा। छी छी, तुम तो बड़ी बदबू मार रहे हो। बदबू, उस करौंदे के बीच अनोखे ने मुझे गोबर लगा दिया, अभी नहा कराता हूं। मैं यही चाहती थी कि तुम इस समय नहाने जाओ। बीचा ने बड़े रहस्यमय अंदाज में सोचा था। उधर सुबह होते ही पड़ोस में शोर मच गया। किसी ने हमारी भैंस मार दी है, पुलिस को बुलाओ। धमाका सिंह पुलिस इंस्पेक्टर थे, इसलिए मोहल्ले वाले उनको भी बुलाने आ गए। जरा चलिए साहब, पड़ोस वालों की भैंस मर गई है। भैंस मर गई है तो क्या मैं बीन बजाऊं। म्युनिसिपैलिटी को बुलाओ। आप समझे नहीं इंस्पेक्टर साहब, भैंस की हत्या की गई है, किसी ने उसका खून पी लिया है। कमाल है, भैंस का तो दूध पिया जाता है। तभी कुर्कबांड भी वहां आ पहुंचा। बापू, इधर आकर मेरी बात सुनो। क्या है बे, अब कौन सी नई नई खुरापात लाया है। तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं बापू, उस भैंस का खून तुम्हारी चुलबुल ने पिया है, वो चुड़ैल है। घुर, तूने फिर चुलबुल को चुड़ैल कहा। आज मैं तेरी सारी हड्डियां तोड़ कर रख दूंगा। जब से वो आई है तू उसके पीछे पड़ा हुआ है। मेरे पास सबूत है बापू, आज तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना ही होगा।
जल्दी बोल, किस सबूत की बात कर रहा है? जल्दी बोल, किस सबूत की बात कर रहा है तू, वरना टांगे तोड़ दूंगा। बाण भैया इस सबूत की बात कर रहे हैं फूफा जी। मोटा, मोटू तू तस्वीर बनवा लाया? हाँ बाण भैया, पूरे 2 घंटे स्टूडियो वाले के सिर पर खड़ा रहा, तब जाकर उसने प्रिंट निकाले हैं। ये तस्वीर बापू को दे दे मोटू, ताकि इन्हें देखकर ये भी जान लें कि इनकी चुलबुल औरत नहीं चुड़ैल है। धमाका सिंह ने एक तस्वीर निकाल कर देखी और फुदक पड़ा। क्यों बापू, अब तो मेरे जासूसी को मान गए ना? उल्लू के बच्चे, खोते की आंख, ये गंदी जासूसी करता है तू। तस्वीरें देखकर कुर्कवान के भी कुत्ते फेल हो गए। ये क्या बापू, नंगा खड़ा नहा रिया है? बाप की इज्जत के परखच्चे उड़ा दिए, आज तेरे खोड़ उखाड़ दूंगा। मेरा यकीन करो बापू, ये तस्वीर मैंने नहीं खींची। किंतु धमाका सिंह ने बाण की एक ना सुनी और उसे अच्छी तरह ठोक पीट दिया। धमाका सिंह ने जमकर घूंसे चलाए, तड़ाक धाड़ फटाक। हाय मर गया बापू, पीट पिटा कर मोटू के पास पहुंचा कुर्कबांड। ये तस्वीरें बदल कैसी गई मोटू, मैंने तो चुड़ैल की ही खींची थी। चुड़ैल ने तुम्हें तस्वीर लेते हुए भी देख लिया था, जरूर उसी ने फिल्म बदली होगी। मोटू का अनुमान ठीक था। बीचा इस समय काफी खुश थी। ये काम तो मैंने रात को ही कर दिया था, जब धमाका सिंह नहा रहा था तो उसके चित्र उतारे और छोकरों के कमरे में जाकर फिल्म बदल दी। तभी नरक का प्रेत डींगा अचानक वहां प्रकट हो गया। तुमने अभी तक हमारा काम क्यों नहीं किया बीचा? अरे डींगा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। क्यों क्यों नहीं आना चाहिए था? तुम यहाँ ऐश कर रही हो और हम वहां खंडहर में पड़े सड़ रहे हैं। मैं ऐश नहीं कर रही बुद्धू। दरअसल वो छोकरा कुक ब्रांड किसी भी तरह मेरे काबू में नहीं आ रहा है, और उसका बाप उसे घर से निकालने के लिए राजी नहीं है। उसको घर से हटाना जरूरी है, तभी हम संटी को पकड़ पाएंगे। तो तुम खुद भी कुछ करो, कोई ऐसी चाल चलो जिससे कुक ब्रांड किसी दूसरे मामले में उलझ जाए। ठीक है, मुझे एक आइडिया आ गया है। मैं इस पूरे शहर की खाट खड़ी कर डालता हूँ। शहर पर मुसीबत आएगी तो वो जासूस कुर्कबान घर छोड़कर बाहर अवश्य निकलेगा। अगर वो यहाँ से बाहर निकल गया तो तुम्हारी संटी को मैं तुरंत काबू में कर लूंगी। ढींगा तुरंत वापस खंडहर में पहुंच गया। साथियों, बीचा अकेले कुर्कबान से निपट नहीं पा रही है, इसलिए अब हमें ही कुछ करना होगा। तो तुम कहो, जो तुम कहो हम कर डालेंगे ढींगा। तो तुम में से एक जाकर मुझे तोते की आंखें, कछुए की टांगे, गधे की खोपड़ी और सुअर के दुम ला कर दो, मैं अभी ले आता हूं। चंडू सारा सामान ले आया तो वे सब बाहर आए। क्या यहाँ कोई दावत होने वाली है डिंगा? दावत नहीं मूर्खो, मैं एक ऐसा सैतानी काढ़ा तैयार करने जा रहा हूं जिसके सिर्फ भाप से ही इंसानों के कुत्ते फेल हो जाएंगे। चंदू, तोते की आंख, कछुए की टांग, गधे की खोपड़ी और सुअर के दुम को उबलने पानी में डाल दे। ये डाल दीजिए। छपाक, अगले ही पल पतीले के भीतर भूचाल सा गया। पुड़क फुस फटाक फुट फटाक। यही है वो सैतानी भाप जो अब हवा में मिलकर इंसानों की सांसों में शामिल हो जाएगी, और जो भी इस हवा में सांस लेगा वो तोते की भांति बेवफा, कछुए की भांति सुस्त, गधे की भांति मूर्ख और सुअर की भांति गंदा हो जाएगा। सैतानी भाप लोगों की सांसों में शामिल होते ही गड़बड़ शुरू हो गई। बड़ी सुस्त आ रही है, स्टेयरिंग घुमाने को मन ही नहीं कर रहा। भयानक दुर्घटना होते होते बची। चर घुर, साला सोते में कार चला रहा है। चौराहे पर ट्रैफिक सर्जेंट भी आलस में डूबा खड़ा था। ट्रैफिक गया भाड़ में, मुझे तो नींद आ रही है। उसके आलस का परिणाम बड़ा भयंकर हुआ। धड़ धड़ाम बड़ाम। बेचारे अपने मायावी दृष्टि से शहर की हालत देखी तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। कुछ ही देर में शहर में लूटपाट भी होने लगेगी, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी। तब कुर्कबान घर से बाहर अवश्य जाएगा। उसने ताबीज पहना हुआ है, इसलिए भाप का असर उस पर होगा नहीं। तभी धमाका सिंह कमरे में आया।
आंखें बंद करके किसके सपने देखने, आंखें बंद करके किसके सपने देख रही हो मेरी जलेबी। सपने में तुम्हें ही देख रही थी मेरे राजकुमार, आओ मेरे निकट बैठ जाओ। इसका मतलब है मेरे पुत्र की बदतमीजी को तुमने माफ कर दिया। हाँ भला मैं बेटे के दोस्त की सजा बाप को क्यों देने लगी, तुम तो बस अब मेरे पास बैठकर तमाशा देखो। स्थिति अब दिलचस्प होती जा रही थी। आइए देखते हैं हमारे पुलिस कमिश्नर इस समय क्या कर रहे हैं। उसकी श्रीमती चाय लेकर बेडरूम में पहुंची तो फोन के साथ कप प्लेट भी बज उठे। ट्रेन ट्रेन छनाक, उई उई जल गया रे, ट्रेन ट्रेन। कमिश्नर साहब ने पत्नी पर आंखें तरेरी। घुर पहले फोन तो सुन लो। फोन पर उन्हें शहर में घट रही घटनाओं की जानकारी दी जा रही थी। स्थिति बड़ी विकट होती जा रही है सर। लोग सड़कों पर पड़े सो रहे हैं या आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने पूरे शहर पर जादू कर दिया है। मैं तुरंत दफ्तर पहुंच रहा हूँ। कमिश्नर साहब कोट पहनकर तैयार हो गए। आज मैं कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहा हूँ। आलस के कारण वो पैंट पहनना भूल गए थे, इसलिए स्मार्ट तो लग रहा ही था। दफ्तर पहुंचते ही इस शहर की स्थिति सुधार कर रख दूंगा। बाहर आकर उनके सुधार लाने के संकल्प को जबरदस्त आघात लगा। ड्राइवर ने मुझे देख लिया है परंतु सैल्यूट भी नहीं दे रिया और ना ही गाड़ी से निकलकर दरवाजा खोल रिया है। ये क्या माजरा है? कमिश्नर साहब स्वयं ही निकट पहुंचे। बदतमीज आदमी, अफसर को देखकर भी हिल नहीं रहा। दफ्तर पहुंचते ही तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। मगर दफ्तर पहुंचोगे कैसे सोनियो? क्या मतलब है? तो मुझे दफ्तर लेकर नहीं चलेगा? आज गड्डी चलाने का मूड नहीं है बाऊ, तुम पैदल ही निकल लो। खाट खड़ी कर दूंगा, अंदर कर दूंगा साले को। घुर गुस्से से ऑल फॉल बकते हुए कमिश्नर साहब पैदल ही रवाना हो गए। सड़क पर जगह जगह गाड़ियां ठुकी खड़ी थी और उनके चालक आपस में भिड़े हुए थे। ओए तूने मेरी गाड़ी को ठोका है? नहीं भैया, कसम ले लो, मैं तो अपना स्टेयरिंग पकड़कर सोया हुआ था। हालत बहुत खराब है। दफ्तर पहुंचकर मुझे तुरंत अधिकारियों की बैठक बुलानी चाहिए। ऐसे कठिन समय में कमिश्नर साहब हमेशा कुर्कबान को याद करते हैं। यस कमिश्नर अंकल, मैं बांड बोल रहा हूँ। किसी ने पूरे शहर का बंटाधार कर दिया है बांड बेटे, सारे लोग बावले हो गए हैं। मैं कुछ समझा नहीं अंकल, जरा विस्तार से बताइए। मैं क्या बताऊं, मैंने तो खुद सुना है कि शहर पर किसी बुरी आत्मा ने हमला कर दिया है। क्या सचमुच बुरी आत्मा होती है? हाँ अंकल, एक बुरी आत्मा तो हमारे घर में भी है। ओए मैं धमाका सिंह की बात नहीं कर रहा। मैं भी बापू की बात नहीं कर रहा हूँ अंकल। हमारे घर में इन दिनों एक चुड़ैल घुसी हुई है। मुझे तो लगता है कि शहर के इस हालत की जिम्मेदार वही है। तो तुम तुरंत मेरे पास चले आओ, हम दोनों मिलकर इस विपदा से निपटने का प्रयास करेंगे। बाहर जाने से पूर्व कुर्कबांड ड्राइंग रूम में पहुंचा। बापू, तुम्हारी इस चुड़ैल ने पूरे शहर का सत्यानाश कर डाला है। अब भी समय है, इसे घर से निकाल दो। ओए दफा हो जा वरना तुझे ही निकाल दूंगा। ठीक है बापू, तुम्हारी अकल ठिकाने लगवाने के लिए मैं कमिश्नर अंकल को बुलाकर लाऊंगा। ओए जा जा, देख लूंगा कमिश्नर को भी। कुर्बान बाहर चला गया तो बीचा ने दूसरी चाल चली। राजा, मुझे लगता है तुम्हारे इस बेटे पर किसी प्रेत की छाया है, तभी ये तुम्हारा अपमान करता रहता है। ठीक कहती हो तुम, संटी नाम का एक प्रेत इसके साथ रहता है। बड़ा खुरापाती है ससुरा। कहाँ है वो प्रेत? मुझे तो यहाँ दिखाई नहीं दिया। वो इन दिनों सोया हुआ है, कई महीनों तक सोता रहता है। मुझे दिखलाओ ना प्लीज, मैंने कभी प्रेत नहीं देखा। दिखा दूंगा, अभी वो मोटू का बच्चा घर में है। वो कहीं जाएगा तो तुम्हें उनके कमरे में ले चलूंगा। इधर शहर की हालत निरंतर बिगड़ती जा रही थी। इंसानों की अक्ल पर गधे की अक्ल सवार हो चुकी थी। ये बंदा सड़क के बीचों बीच घोड़ा क्यों बना हुआ है? वो बाइक रोककर उसके निकट पहुंचा। ए भाई, क्या हुआ है तुम्हें? भाई ने गधे की भांति दुलत्ती झाड़ दी। फटाक, मेरे दुम को हाथ लगाता है, दुलतिया मारकर हुलिया बिगाड़ दूंगा। ये ससुरा तो गधे की माफिक हरकतें कर लिया है। कुर्कबान ने वहां से निकल लेने में ही भलाई समझी।
शहर के सभी इंसानों की चाल ढाल ही बदल गई है। शैतानी भाव का प्रभाव कार्यालयों में सरकारी कर्मचारियों पर भी हुआ था। सब आलसी हो चुके थे। कैश ले लो भैया, काउंटर पर रख दे और तेरी हो ले बे। भैया जी गिन तो लो, तेरे बाप का नौकर हूं तो नोट गिनने बैठ जाऊं? देता है तो दे वरना लपक ले। ठीक है जी, मैं यहीं रख देता हूं। तभी बैंक में डाकू घुस आए। कोई अपनी जगह से हिला तो गोली मार दी जाएगी। अबे हिले हमारी जूती, यहाँ तो सांस लेने के भी मन नहीं कर लिया है। तो फिर ठीक है, सारा कैश इकट्ठा करके हमारे हवाले कर दो। अपने आप इकट्ठा कर ले भैये, हमारे पास समय नहीं है। डाकुओं ने कैश तो समेट लिया मगर परेशानी उनको भी थी। ओए इतने सारे नोट उठाएगा कौन? अपने बस की बात नहीं है, अपना भी मूड बोझा ढोने का नहीं है उस्ताद। मन तो मेरा भी नहीं चाह रिया है, जी कर गया है खाट पकड़कर सो जाऊं। तो क्या ये कैश यहीं छोड़ दोगे? छोड़ ही देते हैं, खर्चे के लिए 100-100 रुपए ले लो सब। शेष डाको ने उसका अनुसरण किया था। 100 का नोट उठाकर जेब में रखने में मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई है। संयोगवश कुर्क बांड उसी बैंक के सामने से गुजरा। आई ये तो डाकू लक्कर सिंह है, बैंक में क्या करने गया था? डाकुओं ने भी कुर्कबान को देख लिया लेकिन उन्होंने भागने की कोई कोशिश नहीं की। ये साला जासूस कहाँ से आ मरा? अपना तो भागने का भी मन नहीं कर रहा। तुम लोग बैंक में क्यों गए थे? अपने मुर्गियों के अंडे जमा करने गए थे। बकवास बंद करो, तुमने बैंक में ढाका डाला है। हाँ डाला है, तू क्या उखाड़ लेगा हमारा? मैं तुम सबको पकड़कर पुलिस स्टेशन पहुंचा दूंगा। ओए ढिंगरा, इस जासूस की चोंच पर मुक्का मारकर साले की बतीसी बाहर कर दे। सॉरी उस्ताद, अपना लड़ने का मूड नहीं है। हाँ उस्ताद, मेरे भी हाथ पांव ढीले पड़े हुए हैं। उन्हें सुस्त देकर क्रुक बांड ने छलांग लगाई। या धड़ाम, लेकिन मारे आलस के जमीन पर बैठ गए थे दोनों। ग्रेट फाइटर क्रुक बांड को डॉस दे दिया, इस बार नहीं छोड़ूंगा। या इस कहानी को यही खत्म करते हैं, इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।